children, last week we have studied English grammar and today we are going to study English text. English text ko hum English one bhi bolte hain, hai na? Till chapter 4 we have completed. So now take out your English one book and open page number 46, chapter 5, the wild goose. Chapter number 5, and the name of the chapter is the wild goose. The wild goose. Children, what is a goose? Goose is a bird like a big duck with long neck. Duck jaisi ek bird hoti hai jiski lambi neck hoti hai aur usko hum goose bolte hain. See, this is a goose, hai na? Ye goose hai. And wild, wild kya hota hai? Wild kya hota hai? Jungle, hai na? Jungle mein jo rehte hain. Domestic hote hain wo हमारे घरों में या मतलब आसपास रहते हैं, और वाइल्ड जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं. तो ये स्टोरी है, वाइल्ड गूस की स्टोरी है. ओके, नाउ मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताती हूँ. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वाइल्ड गूस. टू हंटर्स केम टू द फॉरेस्ट, है ना? दे वांटेड टू किल, दे वांटेड टू हंट द गूस एंड ईट इट. वो चाहते थे कि वो उसको उसका शिकार करे, गूस का, और उसको खाए. बट ऑन सम इशू दे स्टार्टेड फाइटिंग. कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से वो आपस में, उनके बीच में लड़ाई हो गई. दे वेंट टू देयर लीडर टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम. वो अपने लीडर के पास गए. सो चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में क्या हुआ, वो क्यों उनके बीच में फाइट हुई और वो लीडर के पास गए. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड. ओके, सो होप यू ऑल हैव टेकन आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. दिस इज योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, यू ऑल नो, है ना? अब आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 46, चैप्टर 5, द वाइल्ड गूस. ओके, स्टार्ट रीडिंग विद मी. आपको पता है रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैम आपसे जूम मीटिंग वगैरह सब में रीडिंग के लिए पूछती हैं, आपको रीड कराती हैं. आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे. ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग. ऑन अ सनी डे टू हंटर्स आर वेरी हंग्री. दे गो टू द जंगल टू हंट फॉर फूड. दे कैरी अ बो एंड एन एरो विद देम. जस्ट देन they see a white goose flying above. The white goose is white. तो स्टोरी क्या है? On a sunny day. Sunny day means जिस दिन सूरज होता है आकाश में, ना? जैसे cloudy day क्या होता है? जिस दिन सूरज नहीं होता, धूप नहीं होती, उसको cloudy day बोलते हैं. और sunny day means धूप निकली हुई है. और दो hunters जो हैं, hunters क्या होते हैं? शिकारी बोलते हैं हम उनको. Hunters बहुत, वो दो हंटर्स हैं जो हंग्री हैं, उनको भूख लग रही है, है ना? और वो जंगल में गए खाने की तलाश में कि कुछ शिकार करेंगे. उन्होंने क्या लिया होता है? एक बो और एक एरो. बो और एरो आपको पता है ना,
डाउन है, वो कह रहा है उसने उसको एम किया वर्स्ट मूस को, और वो ये लोग ये सब वो कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो कह रहा है स्ट्यू फर्स्ट वन ने कहा, और उसने ऐसे जो एम किया हुआ है उसने ऐसे अपना नीचे कर लिया, है ना, कि पहले अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करें। रोस्ट रिप्लाइज द अदर वन पुटिंग डाउन हिज बो, दूसरे ने भी यही किया, उसने भी इतना बो नीचे कर लिया कि रोस्ट, बस ऐसे करके दोनों कर रहे हैं। सून बोथ ऑफ देम स्टार्ट फाइट, जल्दी दोनों में इस बात को लेके लड़ाई होगी। दे शुड दे शाउट एट ईच अदर, दे गेट एंग्री एंड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे पे शाउट करने लगे, एक दूसरे से एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, एंड दे स्टॉप टॉकिंग, वो एक ऐसे खड़ा हो गया, एक ऐसे खड़ा हो गया, एंड दे स्टॉप टॉकिंग, बात नहीं करेंगे, है ना, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। फाइनली द हंटर्स डिसाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट अस आस्क अ लीडर टू टेल अस द बेस्ट वे टू कुक द गूस, ही विल हेल्प अस बिकम गुड फ्रेंड्स अगेन, दे से। फाइनली आफ्टर फाइटिंग, है ना, आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर फाइटिंग, दे स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर, दे थॉट they decided to solve the problem, उन्होंने decide किया problem solve करते हैं। Let us ask our leader, let us go to our leader and in front of leader we will put our problem and he will give us a solution, हम leader के पास जाएंगे, then only leader will tell us the best way to cook the goose, leader ही हमें बताएगा कि goose को कैसे हम पका के खाएंगे, और वही हमें गुड फ्रेंड वापस बनने में हेल्प करेगा, वो बोलते हैं। द हंटर्स गो टू देयर लीडर, हंटर्स लीडर के पास जाते हैं। द लीडर हियर्स द स्टोरी, लीडर उनकी स्टोरी सुनता है, उनकी स्टोरी जो बताते हैं, दैट लीडर हियर्स। आफ्टर दैट व्हाट इज इट, देन ही सेज हाफ द गूस शुड बी स्ट्यूड एंड द अदर हाफ शुड बी रोस्टेड, दैट वे यू बोथ विल गेट व्हाट यू नीड। सिंपल सॉल्यूशन उसने दे दिया, आप गूस को हंट करो, हाफ आप उसको स्ट्यू कर लो, हाफ पार्ट जो है उसका वो आप रोस्ट कर लो, एंड दिस इज द राइट वे, दिस इज द प्रॉपर वे टू यूज द स्ट्यू, है ना, और इस तरह से यू बोथ विल गेट व्हाट यू वांट, आप दोनों जो चाहते हो आपको हो जाएगा, ठीक है। दिस मेक्स बोथ द हंटर्स हैप्पी, ये सॉल्यूशन से बोथ द हंटर्स आर वेरी हैप्पी, दे गो बैक टू लुक फॉर द वाइल्ड गूस, बट बाय देन द गूस फ्लाइज अवे, वो खुश होके दोनों वापस गूस के वहां पे जाते हैं जहां पे वो गूस था, गूस को देखने जाते हैं, लेकिन क्या गूस वहां पे वेट कर रहा होगा, नहीं ना, गूस तो you yeah.
have to write down. Take out your English one copy first of all. Take out your English text notebook. This is your head margin. Write down date, then day. Here you have to write down classwork. Okay, now chapter number 5, the white goose. Very hungry. Question number 1 is who were very hungry? कौन बहुत भूखे थे? है ना? किसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी? You have the right answer here. Question number 2. To whom do they go for help? Hope you do by yourself. Okay, children. Bye-bye.